नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सका मेजबानी। आप देख रहे हैं जो है टॉक्स, और बात कर लेते हैं आज की मार्केट की। क्या रैली दिखाई है, और सवेरे ही हमने आपको क्लियर कर दिया था कि कहीं ना कहीं, ये मैं टेबी एंकरों की बात नहीं कर रहा हूं जो यहां पर आकर करते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता होता, ठीक है। ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूं जिनको कि कल पता था, और कल मैंने यही बात बताई थी कि मेरे उसमें यही आया था कि अचानक जब 12 बजे के बाद में ये मूव हुआ है, तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर में ये खरीदारी हुई कैसे है, क्या FIIs तो वापस नहीं आ गए हैं। इस बात पे आप लोगों ने शायद गौर दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन ये बात हमने आपको बोला था, और साथ साथ ये भी बोला था कि यार जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े होते हैं, उनको काफी कुछ चीजें पता होती हैं, और वो आपके सामने आज के डेट में देखो दिख गया है मेरे भाई, ठीक है, आपके सामने दिख गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इस समय जब मैं इसको बना रहा हूं तो जीत के आसपास है 267 सीनेट्स मिल गए हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप जी को, 216 पे जो है कमला हैरिस जी हैं, तो जीत के काफी करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, और तकरीबन ये मान करके चलो कि अनाउंस कुछ ही क्षणों में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, उनको मेजोरिटी मिल गई है। तो अगली हुकूमत की बादशाहत की चाबी जो है वर्ल्ड की, मान लो अमेरिका की नहीं, वर्ल्ड की जो है, अगर वो सुपर पावर है, अमेरिका तो है, और सबसे ताकतवर शख्स दुनिया के बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिसका आपको नतीजा अमेरिका की मार्केट में तो जो कल दिखा है वो तो दिखा है। और आपको एक बात बताऊं कि अभी अगर मैं US मार्केट का ही सबसे पहले हाल ले लूं, तो कहीं ना कहीं लोगों को खबर तो थी, तो डाउ जोन्स आपका 1.02% अप हुआ है, S&P 500 1.23%, वहीं पर नैस्डैक आपका 1.43%, और नैस्डैक आपका गया है देखिए 4% से ऊपर, आपकी इंडियन मार्केट अभी आता हूं, 4% से ऊपर आज आपकी मार्केट भी अप हो गई है, तो इससे भी बड़ा जश्न। और उसके बाद में इसको पहले एक मिनट इसको कर लेता हूं, पहले अभी मैं जो अभी खत्म कर लेता हूं, उसके बाद में रसक 2000 आपका 1.88% आगे गया है, वहीं पर NYSE कंपोजिट आपका 1.15% अप गया है। अमेरिका के पूरे इंडाइसेस हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी वहीं पर इंडिया के इंडाइसेस की आज की मैं बात करूं, तो अभी ये टाइम हो रहा है 1:58, इस समय आपका निफ्टी 50 259 पॉइंट 24,473, सिर्फ और सिर्फ जो 24,500 का हर्डल है, अब हो सकता है 3 बजे तक क्रॉस भी कर सकता है, हो सकता है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने आपको सवेरे R और SI आपको बताया था, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इंडिकेटर बताया था, वहां पर आपका 24,500 काफी हर्डल है। अब इसको क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी 3 बजे तक देखते हैं, साढ़े तीन बजे तक देखते हैं। उसके बाद में सेंसेक्स आपका 860 पॉइंट चढ़ गया 1.8%, वहीं पर निफ्टी बैंक आपका, क्योंकि बैंकिंग को खास ज्यादा तो फायदा होना नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से, तो बैंकिंग आपका सुस्ती है, लेकिन यह है कि हरियाली इसमें भी है। वहीं पर IT, मैं सही बताऊं कि कल मैं चूक गया यार, आप लोगों को पता है मेरे पास एक IT का फंड है, और उसके बाद में मैंने बाकी सब में चंक डाल दिया, लेकिन मैं यही सोचा यार उस समय तक माइंड में क्लियर नहीं था, कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो आ रहा था कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा, वो इंडिया में हो रहा है कि अमेरिका में हो रहा है। वैसे अमेरिका का ये थॉट तो इस चीज का था कि कहीं ना कहीं ये था कि दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन कुछ लोगों को अंदर खाने में तो पता तो नहीं थी, जिससे ये बात क्लियर हो गई है, जैसा कि सवेरे आपको हमने बताया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो कि हमारा जो आपका सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ा है इतना कल की डेट में। भाई देखो, कल की डेट में जो चढ़ावत हुई थी वो किस में हुई थी, निफ्टी और सेंसेक्स में तगड़ी खरीदारी हुई थी, बाकी जगह पर क्योंकि मैंने एक ही एग्जांपल दिया था भाई, 457 करोड़ इतनी बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट इतनी आगे को बढ़ी, मतलब क्या हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी में खरीदारी हुई। सेंसेक्स और निफ्टी में खरीदारी कौन करेगा, जिनको इन बातों का पता है कि जिनको वैल्यूएबल शेयर चाहिए, जिनको ये चाहिए, तो उन्होंने खरीदारी करी है। अब ये बात मैंने आपको सवेरे भी घुमा फिरा करके ये बातें जरूर हमने बताई थी कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कौंध तो रही थी, ठीक है, और वो नतीजा आपके सामने देखो आते आते आ ही गया है, शंका और संदेह की अब कोई गुंजाइश तो है नहीं, ठीक है ना। जिस प्रकार से IT भागा है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले तकरीबन 7-8 महीने से मैं ये बात बोल रहा हूं कि 43,000 को जब तक आपका निफ्टी IT क्रॉस नहीं करेगा, पिछले 2-3 महीने से तो और भी बोल रहा हूं कि ये जैसे ही 42,500 जाता है वहां से इसको सांप सूंघ जाता है, नीचे आ जाता है, सांप सूंघ जाता है, नीचे आ जाता है। तो निफ्टी IT का बहुत बड़ा पैमाना यह है कि अमेरिका के हालात, अगर मान लिया भाई बिजनेस आइकॉन तो माने ही जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद में एलन मस्क का, बाकी लोगों का सपोर्ट है इनको, जैसा कि हमने आपको ये सब बातें भी बताई थी, सारी चीजें हमने आपसे जो किया था जो है अपना शेयर करा था, और सबसे ज्यादा डोनेशन आई थिंक कि अगर मेरे पास यहाँ पर है तो जल्दी जल्दी मैं आपको मैं बता देता हूँ कि चलिए यहाँ पर एक ग्लैंस में नहीं है तो आपका टाइम होगा बर्बाद होगा, और उसके बाद में इनको अच्छा खासा डोनेशन दिया था किसने है, मतलब जो है जीतने के लिए आपके
एलन मस्क जी ने, जो कि वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी माने जाते हैं। तो अब ये आपको करना है, मतलब जो डिसाइड करना है कि भाई मेरे अभी आप इसमें इस समय क्या स्टेप्स ले सकते हैं। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं कि जैसा कि हमने आपको ये बातें बताई थी कि देखिए आपका लार्ज कैप में जो गिरावट हुई थी 8.33% गिरावट थी, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मिड कैप कब से ये 27 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर का इसका अगर हम रेशियो ले रहे हैं तो वहां पर जो गिरावट हुई है सबसे ज्यादा हुई है लार्ज कैप में। उसके बाद में सेकंड नंबर पर गिरावट हुई मिड कैप में, थर्ड नंबर पर गिरावट हुई अदर्स में, रेदर देन स्मॉल कैप जितने बच जाते हैं, पेनी स्टॉक बन जाते हैं, एसएमई बन जाते हैं, और उसके बाद में आपके माइक्रो कैप जो बच जाती हैं, जो कंपनियां जो कि छोटी कंपनियां होती हैं उनमें 8.13 लाजमी बात है कि वो भी कम से कम उतनी ही गिरी है जितना कि तकरीबन आपका लार्ज कैप गिरा हुआ है। वहीं पर स्मॉल कैप आपका इतना एवरेज आउट हुआ है 4.30%। अब आप बताइए कि जो लोग बोल रहे थे स्मॉल कैप बहुत बड़ा वोलेटाइल है, बहुत बड़ा रिस्क है, ये तो बालकानो है, ये है ये तो डूब जाएगा, मर जाएगा, खप जाएगा, लेकिन वही बोलते हैं ना कि रिटेलर्स की ताकत ने इसको बिल्कुल बचाए रखा है और इस गिरावट में बचाए रखा है। तो एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कि मैंने पिछले कई बार से मैंने बोला हुआ है, अब बताइए इसमें कंपनियों का रिजल्ट आप क्या सोच रहे हो, इनकी कंपनियों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया हुआ है? नहीं, इनमें इनफ्लो आया है, इनमें लोगों ने भरोसा जताया है, और खास करके जिन रिटेलर्स को लोग बोल रहे थे ना ये तो भाग जाएंगे जैसे गिरावट देखते हैं, तो ये चूहे के जैसे जब जहाज डूबता है तो खास करके सबसे पहले चूहे भाग, तो इनको लोग चूहे की संज्ञा दे रहे थे, और इन चूहों ने, चूहों तो मैं इनको मैंने नहीं दिया था आज तक, इन चींटियों ने वो कर दिया है कि जो हमने एक दिन आपको एग्जांपल दिया था कि शक्कर की बोरी, शक्कर का दाना ही नहीं, गोडाउन से शक्कर की बोरी भी साफ करने की कुव्वत है इनमें। तो सबसे तगड़ा प्रॉफिट कौन ले जाएगा इंडियन मार्केट से बताओ? अगर आने वाले समय में इनकी यूनिटी इसी प्रकार से बरकरार रही तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला जो तबका है वो तबका कौन सा है? भाई देखो सीधी और स्मॉल सी बात है कि भैया देखो बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े तो लेने की हैसियत तो आम आदमी की है नहीं, मैंने भी टी शर्ट पहनी हुई है, वो नहीं है ब्रांडेड है नहीं, नॉर्मल सी जो टी शर्ट पहन करके आपके सामने जो है मैं बैठा हूं, तो एक आम आदमी किसके भरोसे रहता है? उन गुड्स के भरोसे रहता है जो एमएसएमई के भरोसे निकलती हैं या माइक्रो कंपनियों से निकलती है, पेनी स्टॉक वाली कंपनियों से निकलती है जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं को आम आदमी उसका जो कंज्यूमर है, तो सबसे बड़ी कंज्यूमिंग तो उनके ही मतलब मालों की हो रही है, और उसके बाद में वही सबसे ज्यादा मेहनत भी वही कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि खर्चा भी वो उनके बनस्पत जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके बनस्पत तो खर्चा यही कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसा कि मैं एक चीज और आपको कोट करना चाहूंगा कि आप देखिए कि कितनी हिस्सेदारी है आपके टोटल ओवरऑल मार्केट में। अब देखिए 62% तो आपकी हिस्सेदारी है किसकी? लार्ज कैप कंपनियों की ओवरऑल मार्केट में। वहीं पर ही भैया 18.5% है आपकी मिड कैप कंपनियों की। वहीं पर भैया 10.10% है किसकी? स्मॉल कैप कंपनियों की। वहीं पर ही भाई साहब अदर्स की जिसमें एमएसएमई आ गए, पेनी स्टॉक आ गए, आपके माइक्रो कैप कंपनियां आ गई, उनका 9.40% है, जो कि पैसा बनता है 44.56 लाख करोड़। स्मॉल कैप का पैसा बनता है 48.39 लाख करोड़। मिड कैप का पैसा बनता है आपका ओवरऑल मार्केट में ये जो कब का आंकड़ा है? 27 अक्टूबर का, जब आपका सबसे ज्यादा कितना मतलब जो है ये हो गया था टोटल जो है आपका ये जो मार्केट कैप हो गया 470 लाख करोड़ रुपए का हो गया था उस समय आपकी मार्केट का टोटल, तब की मैं बात बता रहा हूं। और लार्ज कैप कंपनियों का आपका 297 लाख करोड़ रुपए, कहां 297 लाख करोड़ रुपए और कहां 44 लाख करोड़ रुपए जो कि पेनी स्टॉक्स और इनकी है, और 48 लाख, मतलब 100 करोड़ में भी पूरे पूरे समट जाती हैं जो आपकी ये कंपनियां हैं, 150 इसकी और 107 कंपनियां इसकी। तो 257 कंपनियों का जो टोटल वो है कि कितना भैया निकल जाता है, आप देख लो कि 100 लाख करोड़ भी 40-40, 80-92 लाख करोड़ रुपया खाली 497 में से ये बन रहा है। वहीं पर ही आप देख लीजिए इसकी जो हिस्सेदारी बनी है स्मॉल कैप की 44.7 लाख, 48 से केवल इनका घट करके हुआ है 44.79 लाख। वहीं पर ही 297 लाख करोड़ से आपके लार्ज कैप की जो घटावट हुई है
274 लाख करोड़ रुपए। अब किसने ज्यादा पैसा डुबोया, आप खुद देख लीजिए किसने ज्यादा पैसा डुबोया है। पैसा ज्यादा डुबोया है आपकी लार्ज कैप कंपनियों ने। मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं लार्ज कैप कंपनियों की, लेकिन हैवी जो बिकवाली हुई है वो बिकवाली किसकी हुई है, वो बिकवाली हुई है आपकी लार्ज कैप कंपनियों की। रिजल्ट खराब किसके हुए हैं, वो रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब हुए हैं लार्ज कैप कंपनियों के। ये बात बिल्कुल नोट करने वाली है, मार्केट की बात है, ऑथेंटिकेटेड डाटा है ये। तो अगर आप इन चीजों को आप देख रहे हैं, 4 नवंबर को आपकी गिरावट मैंने बता दिया, 4 नवंबर को मैंने लाख करोड़ रुपए में भी आपको बता दिया है। तो अब यहां पर जाहिर सी बात होती है कि ऐसे समय में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए। भाई देखो, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, मैं पार्ट पार्ट में आपको रोक रहा था, कॉल दे रहा था, ठीक है। अब कल भी हमने कॉल आपको एक हिसाब से दिया ही दिया है, और कल हमने भी एक चंक लगाया है। परसों तो कल हमने ओपन रूप से दिया था, और उसके बाद में लेकिन कल की जो चढ़ावट हुई थी, कल भी हमने आपको हमने जो है सवेरे उसमें अपना बता ही दिया था। हाँ, लेकिन मेरे से थोड़ी सी ये हुई है कि यार कल वाला जो थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, थोड़ा सा मेरा चंक रह गया है। अब ये चंक मेरा क्या करेगा, एसआईपी के रूट के थ्रू जाएगा। बाकी मैं उस वाले रूट को जो मैंने आपको बताया हुआ है कि उन रूल्स को फॉलो करो, तो वहां पर उससे ब्रेक नहीं करेंगे, इसको जाने देंगे एसआईपी वाले रूट से। तो जो है अपना जाना है मार्केट अपना, चाहे जहां पे भी जाए तो वो तो जाना है। अब यहां पर देखने वाली बात ये होती है दोस्तों कि देखो, एसआईपी को अपने अभी भी हम स्टॉप नहीं करेंगे। हमने जितना डालना था, ऐसा भी नहीं कि हमने डाला नहीं है, सबने जितनी जिसकी कैपेसिटी भर भर के उसने डाला है। अभी एसआईपी रूट को फॉलो करो, एसटीपी रूट को फॉलो करो, उसके बाद में जाने दो। ये चीज आपको बार बार बताई जाती है। अभी कल होनी है क्या, जो महत्वपूर्ण इवेंट होना है वो होना है फेड की मॉनेटरी कमेटी की जो बैठक होनी है। उस बैठक पे अगर रेट कट का ऐलान हो जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आज की डेट में मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं भैया, 24,492 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है अभी हाईएस्ट में आपका हो सकता है। अभी ये 24,477 पे आ गया, 83 पे आ गया, तो बार बार डाटा फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर निफ्टी आईटी हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि 500 आज क्रॉस कर पाएगी, नहीं क्रॉस कर पाएगी क्योंकि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 24,500 का। अगर 24,500 का आंकड़ा क्रॉस करती है तो आपकी मार्केट आई थिंक पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी। अगर कहीं कल की डेट में जो मॉनेटरी कमेटी की बैठक हो रही है, जब भी इसका कमेंट्री आएगी, और कमेंट्री में जेरम पॉल जी ने, जो उनके फेड के चीफ हैं, जैसे हमारे यहाँ के शशिकांत दास जी हैं, अगर उन्होंने रेट कट की घोषणा कर दी तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत और रेट कट का अनाउंसमेंट, और उसके बाद में फर्दर जो पॉलिसी चलेंगी, तो अमेरिका की मार्केट में जो असर दिखेगा वो तो दिखेगा। आपको पता ही है कि आईटी की भी इंडियन निफ्टी में और सेंसेक्स में काफी हैवी भागीदारी है, मिड कैप में भी काफी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। तो उसके बाद में आईटी सेक्टर भी बूम करेगा, इंडियन मार्केट आईटी सेक्टर अकेला ही एक धुरी बन जाएगा जो इसको खींचेगा। बाकी सेक्टर्स भी, ऑटो सेक्टर का भी हमारा रिजल्ट सही आया हुआ, तो मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिहाज से बता रहा हूं कि जितना आपको दिख रहा था ना कि मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये भी होगा। आफ्टर हमारे, जैसे हमारे यहाँ का इलेक्शन हुआ था, बड़े ही शॉर्ट टाइम में आपको मार्केट ने फिर गेन करके दे दिया था। 23,200 के आंकड़े से लेकर के 26,200 का आंकड़ा आपको आपकी निफ्टी ने उस समय आफ्टर इलेक्शन 4 जून के बाद में दिखाया था 27 सितंबर तक। तो सेम आंकड़ा होगा जो कि एक हमारे भाई साहब ने किया था कि आपने 28,000 का आंकड़ा बोला था, तो अभी भी भैया 2 महीने बाकी है 31 दिसंबर में। अब देखते हैं उसके बाद में आगे क्या होता है कि भाई हमने तो कभी किसी ने सोचा था, हम तो ये सोच रहे थे 24,200 का हम जो है हर्डल क्रॉस करें पहले। 24,200 का हर्डल वो छोड़ो, आज आपकी मार्केट जो है 24,500 के आंकड़े को क्रॉस करने वाली है। और वहीं पर देखिए कि आईटी ने क्या बूम किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सारे आईटी की तरफ भाग लो, कर लो कि मतलब जो मैंने वो कर दिया। मैंने आपको दसियों बार बताया हुआ है कि भाई मेरे, ये मेरा केवल इंफॉर्मेशन देने का तरीका है, एजुकेशनल पर्पस का ये मतलब जो है वो है वीडियो है। आप कहीं पर भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपना खुद का ओन रिसर्च करें, और उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि हर आदमी की रिस्क एपेटाइट अलग है, हर आदमी की कमाई अलग है, हर आदमी की एज ग्रुप अलग है, और मार्केट ऐसी है जो कि वोलेटाइल है। और ये हमेशा मैंने आपको सवेरे ही एक इंट दिया था, अगर आपने सवेरे का वीडियो मेरा देखा होगा, डबल बॉटम की संख्या देखो। ये नहीं है कि मैं इसको
डोनाल्ड ट्रंप जी को देख करके उसके बाद में बोल रहा हूँ। मॉर्निंग का वीडियो देखिए, डबल बॉटम की संज्ञा हमने आपको दिया था कि यार देखो मैथ के अलावा फिजिक्स के थ्योरी पर भी मार्केट चलती है। अब इसके अलावा मैं और क्या बोलूं, डबल बॉटम बन रही, यहां पर मार्केट या तो यहां से अप जाएगी नहीं कंसोलिडेट करेगी। साफ साफ शब्दों में आज के मॉर्निंग के वीडियो में, इसीलिए हमने मॉर्निंग में देखना, आप में बहुत कम वीडियो डालता हूं, रात के 12 बजे डालता हूं, नहीं तो आपके जो दिन के 12 बजे डालता हूं, लेकिन जो आपको मतलब जो मिलने का टाइम होता है जो उसका अपना जो उसका उसका अपना पब्लिकेशन का, लेकिन जब आपको कॉल देनी होती है तभी मैं आपको इन चीजों को मॉर्निंग में आपको डालता हूं। तो आज आप अगर मॉर्निंग का मेरा वीडियो देखेंगे उसमें मैंने डबल बॉटम का इनिशियल में ही आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप बताइए डबल बॉटम की संज्ञा हो गई, उसके बाद में आपको यह भी बता दिया कि भैया कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर है जो कि उन लोगों को पता है, जो कि हम लोगों को पता नहीं। इसका मतलब वो नहीं टीवी के एंकर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, टीवी के एंकर तो बस इतने से में ही दिन भर लगे रहते हैं, जो उनका वो बोल देता है उसी में घाऊ माऊ सारी चीजें जो है अपना वो कर देते हैं, जो अपना बताना शुरू कर देते हैं। इतने बड़े एनालिस्ट उनके नहीं आते हैं, और उनके पास जो आते हैं ना बैठने के लिए, अब जैसे वो ये अपना भसीन जी कहीं ना कहीं जो वही हो गए, अपना गुम ही हो गए, जो लोग आते हैं ना वो लोग खाली टिप पर शेयर बताने के लिए आते हैं। इसमें कोई जो है कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। तो ये शुक्र मनाइए इनका, स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स का, जिन्होंने आपको, मैं कोटसा धन्यवाद देना चाहता हूं खुद के मुंह से, खुद की इतनी उसके लिए आप लोगों, लेकिन कोटसा धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आप लोगों को हमारे जैसे रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। सवेरे से हमने निगाह बनाई हुई है, रात में निगाह बनाई हुई थी तब जाकर के आपको हमने जो है सवेरे का वो किया। अब जाकर के मैं सेम ड्रेस में जाकर के आपको मैं मतलब अपना वीडियो रिप्लेस कर रहा हूं। अब इसके बाद में 3 बजे के बाद में अभी जाकर के नहाऊंगा खाऊंगा, उसके बाद में फिर जाकर के फिर मार्केट जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए करना पड़ता है भाई, मेरे खुद का भी लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि भाई देखो अब ये 4 साल के बाद में ये सीन भी आएगा, अमेरिका के इलेक्शन का सिंडियो कब आएगा, 4 साल के बाद में आएगा। हमारे इंडिया का इलेक्शन का सिंडियो कब आएगा, 5 साल के बाद में आएगा। अब नेशनल इंटरेस्ट की बात अलग होती है, ये बात दीगर है कि इंडिया में तो हमेशा त्योहारों के जैसे चलता रहता है, क्या नाम है, कभी स्टेट का इलेक्शन आता कभी उसका आता, लेकिन जो सेंटर का इलेक्शन हो तो जो है 5 साल के बाद में आएगा। तो अभी ऐसे समय पर अगर आपको हमने टाइम नहीं दिया, ऐसे समय पर हम अगर आपके लिए बैठे नहीं रहे, ऐसे समय पर हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई, तो फिर इसके बाद में हमारी वो होगी ना, हमारी भूल होगी ना, कहीं आपने डर करके कोई ऐसा जो है कदम उठा लिया जिस जो आपके लिए मतलब आत्मघाती तो नहीं कह सकता हूं, वो एक वैसा वर्ड हो जाएगा, लेकिन जो आपके अर्थ के लिए नुकसान के लिए बात हो तो उससे मेरा कोई वो नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है ना, फिर ऊपर वाला देख रहा है ना उन चीजों को। तो उम्मीद करता हूं यार आपको जानकारी ठीक लगी होगी, अगर लगती है तो यार प्यार दुलार जरूर बनाना। थैंक यू वेरी मच।